So, very, very good evenings to all my dear students. I hope you are very much active mode in the situations because the vacancy is coming up, coming up, coming up. आपको पता होगा यूपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता होगा ईपीएफओ की वैकेंसीज आ चुकी है, आपको पता होगा कि आने वाले जेपीएससी की वैकेंसी आ रही है, आपको पता होगा कि बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशंस होने के हैं, तो आपको पता है कि ईपीएफओ के या फिर आप समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट यूपीएससी के लेवल के एग्जामिनेशंस आने को तैयार हैं या आरबीआई ग्रेड आरबीआई असिस्टेंट लेवल के एग्जामिनेशंस आने को तैयार है डियर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट है जो मुझे पेनिक्स कर रहा है, जो बार बार मुझे ये कहता है कि आप तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, और आप तैयार होते नहीं हो, कहीं ना कहीं आपको बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी बाधा को दूर करने के लिए अजीत मेहता सर आपके साथ लेके आ गए हैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स की क्लासेस। ये क्लासेस आपको थ्रॉली मिलेगी डियर, मतलब आप इंट्रोडक्शन से लेकर एडवांस तक, एडवांस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इवन इकोनोमेट्रिक्स तक की क्लासेस आप इसमें कर पाओगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप आने वाली किसी स्टेट बीसीएस या फिर ईपीएफओ के लिए अपने आप को माइंडसेट कर रहे हो तो ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिटेड होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लासेस है, ये क्लास 1 है। आइए क्लासेस को शुरू करते हैं फटाफट। अजीत मेहता सर मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने करा है, परसुइंग पीएचडी हमारा है, 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, डिफरेंट आईएएस एकेडमी में मैंने क्लासेस लिया है, और बीपीएससी जेपीएससी और जेएसएससी एंड ईपीएफओ, इवन डिफरेंट बैंक्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं आरबीआई आरबीआई ग्रेड बी तक, हमारी ये सेशन आपको जरूर फायदेमंद पहुंचाएगा डियर। आइए क्लासेस को पढ़ते हैं, पूरी डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ते हैं। राइट, वेरी शून मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस क्लासेस, जो 9, 10, 11, 12 से आपको लिया गया होगा और जो कि आपके एग्जामिनेशनों के लिए फायदेमंद होगा। कंप्लीट क्लासेस पढ़ेंगे डियर, साथ ही इन्वायरमेंटल साइंस की क्लासेस आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स 9, 10, 11, 12 वो भी आप डिफाइन करके पढ़ोगे। आइए क्लासेस को शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माई क्लासेस, आप सबों से हम्बल ये गुजारिश होगी कि आप हमारे ऑफिशियल चैनल को ज़रूर लॉन्च कर, ये सब्सक्राइब कर ले डियर, दैट इज ऑफिसर पॉइंट, ओके, और हमारा ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल एट द रेट ऑफ gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है, ये आपके ऑफिशियल पॉइंट का ईमेल आईडी है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, अपने सुझाव डालें। अगर आपको लगता है कि आपके क्लासेस में और थोड़ी किसी ग्रीवेंसेस की ज़रूरत महसूस हो रही है, आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म करेंगे डियर। टू वे कम्युनिकेशन ना एक सही रास्ता दिलाता है। आइए इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स, दूसरा क्या पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और तीसरा क्या पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की रीढ़ होती है डियर, कि अगर आप इकोनॉमिक्स को समझ पाते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आपके माइंड में जाती है तो आप ये समझ लेना इकोनॉमिक्स का 20% बातें आप इजी वे में समझ पाओगे। राइट, सो आपको समझना चाहिए कि वास्तव में इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या है, इकोनॉमिक्स सेक्टर्स क्या है। तो इंट्रोडक्शन सेशन में डिफाइन करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स को। अगर आप इकोनॉमिक्स सोचते हो ना डियर, तो कहीं कहीं ना कहीं आपके मन में आता होगा, अरे यार ये मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने सुना, अरे मैंने मैक्रो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने सुना, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सुना, मैंने एनालिसिस सुना, इन्फ्लेशन सुना, ओके इफिशेंसी सुना, ये सारे ग्रोथ सुना, डेवलपमेंट सुना, ये जो सारे टर्म है ना, इस सारे टर्म को मैं बारी बारी से आपके सामने लाऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ती चलेगी क्लासेस, ये सारे टर्म आपके जुबान पे होंगे। ओके आइए, अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हो या इकोनॉमिक्स प्लान कर रहे हो समझने का, या इकोनॉमिक्स थिंक कर रहे हो, तो सबसे पहले मन में आएगा कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स एक स्टडी कराता है। जो लोग हिंदी भाषी होंगे उनको मैं बड़ी आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है। किसके रिस्पेक्ट में है, हाउ द सोसाइटी, आप जिस परिवेश में रहते हो उस परिवेश में अगर आप रहते हो तो आपके साथ साथ कई रिसोर्स भी रहते होंगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि पहले जब आपकी पॉपुलेशन कम थी, वेयर देयर इज अ लेस पॉपुलेशन, तो ये जो आपके रिसोर्स थे ना, ये रिसोर्स एक्सेस थे, और जो आपकी जो आवश्यकताएं थी, आपकी जो डिमांड थी वो कम थी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा, पॉपुलेशन टेंडेंसी बढ़ा, बर्थ रेट बढ़ा, ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ा, तो ग्लोबल डिमांड क्रिएट हुआ। ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को अपनी सोसाइटी में कैसे एक डेवलप
ह्यूमैनिटी के आधार पर खड़ा कर पाओगे। इसके लिए ज़रूरी था कि एक ऐसे सब्जेक्ट को लाया जाए जो हमारे एक जो रिसोर्स है, जो स्कार्स रिसोर्स है, उस स्कार्स रिसोर्स को हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर सके। तो आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा ही साइंस है, ऐसा ही एक विषय है जिसमें हम लोग अपने सोसाइटी में जो स्कार्स रिसोर्स है उसको इस तरह से यूज़ करते हैं, एलोकेट करते हैं, ताकि हमें जो मैक्सिमम आउटपुट मिल सके और इस बढ़ते हुए आबादी, इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन, इस बढ़ते हुए जनसंख्या, इस बढ़ते हुए जनसंख्या विस्फोट को हम क्या कर सकें, बचा सकें और इसमें डेवलपमेंट ला सकें, ग्रोथ ला सकें, तभी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट बचेगा। अदरवाइज स्पेसीज एवेयरनेस में हम चले जाएंगे और हम डिस्टिंक्ट प्राणियों की तरह हो जाएंगे। सॉरी, तो अपने प्राणी को बचाने के लिए, अपने स्पेसीज को बचाने के लिए आप अपने जो भी संसाधन आपके पास हैं उस संसाधन का मैक्सिमाइजेशन आउटपुट के रूप में अगर प्रयोग कर पाते हो तभी आप एक बैलेंस इकोसिस्टम बना पाओगे, एक बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट कर पाओगे और फिर ह्यूमन को सस्टेन करा पाओगे। इसके लिए ज़रूरी थी एक ऐसे सब्जेक्ट की और 19वीं शताब्दी में ऐसे सब्जेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत हुई क्योंकि आपने वर्ल्ड वार को झेला है, आपने कई तरह के डिजास्टर्स को झेला है, ऐसे डिजास्टर में आपके कई तरह के जो रिसोर्सेज थे वो बर्बाद हुए हैं, तो आपके पास रिसोर्स की कमी देखने को मिल गई। ये बड़ा पैनिक हो गया आपकी सोसाइटी के लिए। फिर से एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट आया और इसको हम लोग कई सेक्टरों में डिवाइड करके इसकी उपयोगिता को लेते हुए आगे बढ़े और लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप्स का हम लोगों ने भरपूर प्रयोग करते हुए हमने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और जिस कारण आज प्रोडक्शन बढ़ा है और इस प्रोडक्शन के रूप में हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है और जिस करने में हमारा अगर कोई सब्जेक्ट हमें मदद करता है तो वह हमारा है इकोनॉमिक्स। सो वी कैन से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटी एलोकेट स्कार्स रिसोर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर टू प्रोड्यूस आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेस। इन अदर सेंस वी कैन से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्स टू प्रोड्यूस वैल्युएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम अमंग डिफरेंट पीपल्स। ये बात ऐसी हुई कि मान लो कि आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो लेकिन आपको वैल्युएबल प्रोडक्शन बनाना है। वैल्युएबल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उस रिसोर्स को जब आप यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए और यूज़ करने वाले को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्युएबल गुड्स कहते हैं। ओके, और इसको हम वैल्युएबल मतलब जिसकी ज़रूरत जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग उसको पहुँचा पाए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कन्फर्म हो जाएगा और जिस वजह से इसकी उपयोगिता बनी रहेगी, डिमांड सेटिस्फाइड होगा, सप्लाई सफिशियंट हो जाएगा और जिस कारण से इकोनॉमी बैलेंस होगी और फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें ओवरऑल आप देखोगे एक नट सेल में, तो यही आप नोट करके रखोगे, इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम अपने सोसाइटी में जो हमारे पास रिसोर्स हैं उस रिसोर्स को हम किस तरह से एलोकेट करें कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और प्रोड्यूस करने वाले को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और ये बैलेंस और इक्विलिब्रियम होकर आगे चलता रहे। बात करते हैं आगे कि फिर इकोनॉमिक्स की कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई और इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को देखते हैं, अगर उसकी मूलभूत संरचनाओं पर हम अगर फोकस डालते हैं तो इकोनॉमिक्स इज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। तो यह क्या करता है, उत्पादन का अध्ययन करता है कि उत्पादन कैसे हो, अध्ययन करता है कि हाउसहोल्ड्स मतलब अभी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, आपका उस जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, किसी फर्म की उपयोगिता क्या होगी, कंजम्पशन क्या होगा, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, ओके, फिर इंडस्ट्री का नेचर कैसा होगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या होगा, फिर डिसीजंस क्या होगा और मैनी मोर्स। हम इस फंडामेंटल इकोनॉमिक्स में जानने का प्रयास करते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सा डिसीजंस लिया है, कौन सी इंडस्ट्री सामने आई है, किस तरह के गुड्स एंड सर्विस हम बना रहे हैं, क्या उसके सोसाइटी में कंजम्पशंस है कि नहीं, इस फॉर्म्स प्रॉपर रूप में काम कर रहा है कि नहीं, हमारे हाउस होल्ड्स को डिमांड सप्लाई मिल रहा है कि नहीं और जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको मैक्सिमम रिटर्न ऑफ स्केल मिल रहा है कि नहीं। इन सारी बातों को जानने के लिए हम फंडामेंटल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट यही कहता है कि इकोनॉमिक्स में हम सारी बातों को देखेंगे, उत्पादन हो,
हाउसहोल्ड हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक फर्म हो, उसका कंजप्शन हो, गुड्स एंड सर्विस का हो, ये सारे अगर प्रॉपर होंगे तभी आपके इकोनॉमिक्स चलेंगे। तो ये फंडामेंटल है कि आपने उत्पादन किया, आपने सही जगह पे पहुंचा दिया, एक फर्म को ओपन होना है, फर्म में गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्री को खड़ा करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट देना है, ओके, इन सारी बातों को लेकर हम फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के मूल तत्व या अवधारणाएँ क्या हैं। आर्थिक अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है जो उत्पादन, घरों का वितरण, फर्मों, वस्तुओं और सेवाओं की खपत, उद्योग, सरकार का निर्णय लेने आदि के अध्ययन से जुड़ा है। यह समझने में मदद करता है कि उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा सके। मतलब हम चाहते हैं कि ऐसे उत्पादन को हम प्रोड्यूस करें उस सीमित साधन में जिससे हमारा उपभोक्ता अधिक से अधिक सेटिस्फाइड हो जाए, राइट। तो इसी बात को लेकर हम इकोनॉमिक्स को फंडामेंटली अप्रोच करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक्स को थोड़ा अंदर जाऊं, तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक व्हेन इकोनॉमिक्स इन एक्शन। अर्थशास्त्र क्या है, जब अर्थशास्त्र क्या हो, क्रियाशीलता में रहे। सो इट इज ए स्टील फ्रेम पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिकली क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है, एक एसोसिएशन है किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ए कंट्री, ए कंपनी एंड ए फैमिली ऑल हैव देयर इकोनॉमिक्स। हर एक के पास अपनी इकोनॉमिक्स होती है, हर के पास अपना इनकम, हर के पास अपना एक्सपेंडिचर, उसकी सेविंग टेंडेंसी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सारा कुछ होता है। एक घर है ना, तो घर में भी आप एक बजट बनाते हो। एक कंपनी है ना, उनकी भी एक बजट्स होती है, उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, उनका कैपिटल होता है, उनका लेबर होता है, उनका लैंड होता है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेंडेंसी होता है। सो इट इज़ प्रॉपरली यूज इन केस ऑफ कंट्री। अगर इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम पूरे कंट्री के रूप में हम काउंट कर दें तो वह उस कंट्री की इकोनॉमी कहला जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन, फर्म, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शंस, गुड्स, सर्विसेज, मार्केट, कंज्यूमर, सेलर्स, बायर्स, ये सारों को जब हम अध्ययन करेंगे तो वह इंडिया का करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी कहलाएगा, यूएस का करेंगे तो यूएस इकोनॉमी कहलाएगा, जापानीज का करेंगे तो जापानीज इकोनॉमीज कहलाएगा, राइट जी। और इनको इसलिए करना ज़रूरी है ताकि हम अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में सामने ला सके। एक तो हम डोमेस्टिक लेवल पे करते हैं, और डोमेस्टिक लेवल पे जब हम फोरकास्ट वर्ल्ड लेवल पे करते हैं तो उससे हमारा एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं ग्रो कर रहा हूं, तो वर्ल्ड वाले आप इंडिया के अंदर क्या करेंगे, FDI करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे आपका कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। क्योंकि इंडिया की एक वैल्यूज़ है मार्केट में कि इंडिया क्या है, इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है। मतलब लेबर यहाँ पे सस्ता मिलता है। अगर यहाँ पे कैपिटल आ जाए ना, तो प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, चीफ होगा। और पूरी दुनिया में हम एक चीफ प्रोडक्ट को बेचकर एक अपनी इकोनॉमी में इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक बेसिकली क्या है, एक्शन ऑफ इकोनॉमी है, किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अगर मैं बात करूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे प्लान करोगे, थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर आप कोई काम करते हो, कोई वर्क करते हो, अगर आपने वर्क किया और वर्क के रिस्पेक्ट में आपने अगर उससे मनी ले लिया, तो आपने वर्क का क्या किया, मॉनिटरिंग आइडेंटिटी दे दिया। तो अगर आपने वर्क की मॉनिटरिंग आइडेंटिटी दे दी तो वह क्या कहलाया गया, इकोनॉमिक्स कहलाया गया। अगर आपने आइडेंटिटी नहीं दी तो वे क्या कहलाएंगे, वेलफेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वेलफेयर कहलाएंगे, समाज सेवा कहलाएंगे, सेवा कहलाएंगे, इन सारी बातों को आप कह सकते हो, ओके। और जब इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे कब पड़ी, जब एक डिप्रेशन आया, एक वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार के बाद डिप्रेशन आया, तो आफ्टर ए ग्रेट डिप्रेशन ड्यूरिंग 1930 में जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया, तो ऐसे समय में लगा इकोनॉमिक्स के स्टडी को और मजबूत करनी चाहिए। इसलिए डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स गॉट डिवाइडेड। इसलिए इसको ढंग से पढ़ने के लिए हम पूरे इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करते हैं कि जॉन मैनार्ड केन्स
को एक फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि एक बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में इन्होंने बुक लिखा था, जिसमें इन्होंने मेन अगर इकोनॉमिक्स को हम जानते हैं ना, मॉडर्न इकोनॉमिक्स को जानते हैं, क्लासिकल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को जानते हैं, जो किससे जानते हैं, जॉन मैनार्ड केन्स से, या मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर भी कहा जाता है, जिनको जॉन मैनार्ड केन्स को, या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, जॉन मैनार्ड केन्स। तो 1930 में जो डिप्रेशन मिला था उस समय इंपॉर्टेंट समझ में आया माइक्रो एंड मैक्रो को। तो आप इतनी देर तक आपने ये समझा कि इकोनॉमिक्स की उपयोगिता क्यों है, इसलिए है क्योंकि हम अपने सोसाइटी के अंदर जो मौजूद हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का हम किस तरह से उपयोग करें कि मैक्सिमम हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले, मैक्सिमम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उपयोग करने वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो और उत्पादन करने वाले को अधिक से अधिक मुनाफा हो, ताकि आप उत्पादन भी करते रहें और आप भी संतुष्ट होते रहें और इस तरह से ह्यूमन रेस आपका चलता रहे, राइट। आइए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को। आपने अभी तक के लेशन में यह देखा कि वास्तव में इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ी सी रिवाइज करते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल क्लासेस है डियर। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली स्टडी करता है किसका, स्टडी करता है किसका, एक सोसाइटी का। वैसे सोसाइटी में जिस सोसाइटी में डिमांड और सप्लाई की क्या है, ज़रूरत है, ये हर एक सोसाइटी में ज़रूरत है, क्योंकि जीना है तो कुछ खाना है और कुछ पीना है, और कुछ खाना और पीना है तो स्कार्सिटी होगी, और इसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उत्पादन सही तरीके से हो। तो इकोनॉमिक्स सोसाइटी है, कैसी सोसाइटी की बात करता है, जिसमें जो आपके पास स्कार्स रिसोर्स है, क्योंकि संसाधन हमेशा स्कार्सिटी में ही रहता है, इसका हम क्या करें, मैक्सिमम एलोकेशन करें या इस तरीके से एलोकेशन करें कि क्या मिल जाए, मुझे मैक्सिमम संतुष्टि मिल जाए, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा जो ग्रेट डिप्रेशन मिला था, ग्रेट डिप्रेशन आपको मिला था 19वीं शताब्दी में, जिस तरह से आर्थिक तंगियां देखने को मिली थी, तो ये ज़रूरी महसूस होने लगी कि इकोनॉमिक्स को समझा जाए। आइए देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स। आप जब भी मेन स्ट्रीम पढ़ते हो ना, मतलब इकोनॉमिक्स की जब मुख्य बातें को पढ़ते हो, तो आपके माइंड में आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, या अगर आप इकोनॉमिक्स की स्टडी को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट का मतलब ही होता है माइक्रो, ओके। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो स्टार्ट है, इकोनॉमिक्स की जो कंसेप्ट है, इकोनॉमिक्स की जो सोच है, वो शुरू किससे होती है, कंज्यूमर से, और ये एक सिंगल इंडिविजुअल से शुरू होती है डियर। और जब कभी हम सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड, सिंगल इंडिविजुअल की सप्लाई, सिंगल फर्म को पढ़ते हैं, तो सारे के सारे कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और इसी से हम पूरे वर्ल्ड की कंज्यूमर बिहेवियर को आक लेते हैं। दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म इन मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स। और ये जो सिंगल कंज्यूमर है या सिंगल फर्म है या इंडिविजुअल्स है, उनके पास जो भी रिसोर्स है, इसको हम कैसे एलोकेट करें ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, एंड इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल एंड द फर्म, ओके। तो बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट एंड इंडिविजुअल सेक्टर। तो जब कभी भी हम इंडिविजुअलिटी की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें या इंडिविजुअलिटी की बात करें ना, तो सीधा कॉन्सेप्ट यही आता है कि वह क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ओके। जैसे आप अपने घर में टोमेटो का प्रोडक्शन करते हो और टोमेटो खुद ही उत्पादन करते हो, तो क्या आपको कभी स्कार्सिटी महसूस होगा, क्या नहीं महसूस होगा, क्यों, आप जितना उत्पादन करते हो उतना खा लेते हो, लेकिन कल के जब आपके परिवार बढ़ेंगे तो क्या इसी टोमेटो से काम चलेगा, नहीं चलेगा, तब तो आपको स्कार्सिटी महसूस हो गई, तब आप क्या करोगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे, फर्टिलाइजर का प्रयोग करोगे, सो डैट इट कैन इंक्रीज द यील्ड, सो डैट प्रोडक्शन बाहर आ सके। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल अप्रोच है
चाहे वह आपके स्कार्सिटी ऑफ स्कार्स का एलोकेशंस की बात करता हो या फिर मार्केट की बात करता हो, फर्म की बात करता हो, अगर इंडिविजुअल बात करता हो तो वह क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को, देखो इंडिविजुअल का सबसे करीब कौन होता है, नेचर। तो नेचर के कॉन्सेप्ट को लेकर अपनी विचारों को रखने वाले पहले ऐसे अर्थशास्त्री कौन थे, एडम स्मिथ थे, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ओके, इज कंसिडर द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज ऑल्सो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ या एडम स्मिथ फिलोसफी ऑफ फ्री मार्केट, देयर शुड बी ए मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड टैक्सेशन इन फ्री मार्केट। इन्होंने कहा था कि जब फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, लेना चाहेंगे, इसमें गवर्नमेंट का कम से कम व्यवधान हो, गवर्नमेंट कम से कम टैक्सेस को बांधे ताकि अधिक से अधिक क्या हो, वस्तुएं कम से कम दामों में उपभोक्ताओं तक पहुंच सके और उपभोक्ताओं को उसी सीमित साधन में अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। एडम स्मिथ की जो ओपिनियन थी ऑन द इकोनॉमी नेक्स्ट टू सेंचुरीज तक ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी, लेकिन इसके बाद जब 19 से 20 सेंचुरी में हम लोग शिफ्ट करते हैं ना, तो अल्फ्रेड मार्शल्स एक लंदन बॉर्न इकोनॉमिस्ट है, उनका भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है। किस में आता है, तो इकोनॉमिक्स थ्योरी में आता है। तो आपने मार्शल, रॉबिन्सन्स, एडम स्मिथ, ओके, और तो कई सारे इकोनॉमिक्स हुए हैं, लेकिन इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जॉन मेनार्ड केन्स, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स अप्रोच में। तो अगर शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की सोच को, तो हम एडम स्मिथ के बारे में ले लेते हैं। ये नेचर से बिल्कुल करीब है और इन्होंने सबसे पहले यह बताया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जितना कम होगा इकोनॉमिक्स उतना इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद अगर गवर्नमेंट उसमें नहीं इन्वॉल्व करेगी तो फिर क्या होगा, वायलेशन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए 20th सेंचुरी की अगर बात करते हैं, अल्फ्रेड मार्शल्स का एंट्री होता है, इसका सिग्निफिकेंट रोल है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को लेकर, राइट। आइए उम्मीद करता हूं कि आप इकोनॉमिक्स को समझ गए होंगे, इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड की बात करनी होगी, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करनी होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करनी होगी, कंज्यूमर च्वाइस की बात करनी होगी और वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करनी होगी। ये सारी बातों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। तो डिमांड क्या है, दिस इज हाउ द डिमांड फॉर कॉमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इनकम चॉइस, कॉस्ट प्राइस एंड द सर्कमस्टेंसेस सच एज एक्सपेक्टेशंस। तो आपकी इनकम के आधार पर डिमांड बाजार में आता है, आपकी चॉइसेस क्या है, बाजार की कॉस्ट क्या है, चीज़ें सस्ती होगी तो आप मांग ज़्यादा करते हैं, ये इंडिविजुअल मांग होता है, ओके। और अगर आपको कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन वैल्यूज मिले तब भी आप डिमांड कर लेते हैं। दूसरा सप्लाई, इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चर को डिटरमाइन करना होता है कि मार्केट में किस तरह के स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बाजार में डालना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये ट्रेड ऑफ वैल्यूज पर निकाला जाता है, मतलब अगर किसी मुल्क में सस्ती चीज़ें मिलती हैं या किसी देश के अंदर, अगर मान लो आप सपोज करो कि आप पटना के रहने वाले हो, आपको रांची में कोई चीज़ गए हो, घूमने गए हो, वहाँ पे आपको वो सस्ता मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर इनटेक कर लोगे, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, ये इंडिविजुअल्स होता है। और कंज्यूमर च्वाइस तो इंडिविजुअल होता ही है, और वेलफेयर, हर एक व्यक्ति का वेलफेयर कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। तो इस सारी बातों को लेकर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में चर्चा करते हैं। बात करते हैं डियर मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जॉन मेनार्ड केन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। देखो एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये सारी बातें किस में आ जाएगी, मैक्रो में आ जाएगी, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे, इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। जब हम किसी एक की बात करते हैं तो इंडिविजुअल होता है, एज अ होल डिस्ट्रिक्ट, एज अ होल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, एज मान लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात होगी, किसी खास कंपनी की बात नहीं होगी।
तब मैं उसे क्या कहूँगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स कहूँगा। एग्जाम्पल, यूजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर आप किसी इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हो तो सारे कंपनियाँ हैं, सारे इंडिविजुअल इसमें शामिल हो जाते हैं, टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट हैं, रेगुलेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी है, सारी बातें किसके अंदर आती है, तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राष्ट्र की आय, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज टॉपिक लाइक GDP, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, प्राइसेस, आउटपुट, कंजम्पशन, इन्फ्लेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फिनेंस। ये क्या है, जब भी इंटरनेशनल फिनेंस की बात करूँगे तो पूरा एक देश और फिर पूरा दूसरे देश से चर्चा होगी ना, तो ये कहा लगता है कि ये बड़े पैमाने पर है। और इन पर बड़ा फोकस डाला था स्वीडिश इकोनॉमिस्ट इमी नाकुमरा, देखो इमी नाकामुरा ने ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पर अपना विचार डाला था। हालांकि फादर हम किसे कहते हैं, जॉन मेनार्ड केन्स को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, वन गोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू एनालाइज द मार्केट मैकेनिज्म। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें ना, तो ये क्या करता है कि मार्केट को एनालाइज करने का काम करता है। ओके, चलिए, और मैक्रो क्या करता है, उस पर वर्क करने का काम करता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अगर नेक्स्ट क्लासेस जो हमारी होगी डियर, वो हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पे होगा। हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में कितने सेक्टर्स हैं, इन सारों सेक्टर में अभी के करंट अफेयर्स को ऐड करूंगा डियर, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जामिनेशनों में पूछे जाते हैं। डेटाबेस क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशनों में। सपोज करो आपसे पूछ देगा कि 2021 और 22 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशंस आपके GDP में कितना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी सेक्टर कौन है, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल है। सेम वो सेकेंडरी सेक्टर में पूछ सकता है, टर्सरी में पूछ सकता है। इस तरह से हमें सबसे पहले सेक्टर को समझना होगा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होगी वह होगी हमारी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लासेस होगी। तब तक आप इसको नोट्स बनाओ, इसको समझने का प्रयास करो। अगर किसी भी प्रकार की कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। अगले क्लासेस में आप पूछ लेना और या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना अपने क्वेश्चंस को। और जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैनी मोर क्लासेस इज इन पाइपलाइंस। हम पूरे NCERT की साइंस की क्लासेस करेंगे, पूरी NCERT की इकोनॉमिक्स की क्लासेस करेंगे, पूरी आप देखोगे कि मैं बात करूंगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, तो पूरी की तरह से आपकी क्लासेस होगी डियर। और याद रखना, ये क्लासेस जब भी होगी ना, इसका एसोसिएशन करंट के साथ हो जाएगा। जैसे अभी मैं सेक्टर की बात करूंगा तो इसमें हम कंट्रीब्यूशन देख लेंगे कि डिफरेंट सेक्टर के क्या कंट्रीब्यूशन है आपके GDP में 21-22 में, फिर 22-23 में। आई होप आप अच्छी तरह से हमारे क्लासेस को समझ गए होगे। और अगर किसी प्रकार की खामियां महसूस होती है, आप ज़रूर कांटेक्ट करोगे, वेदर आप मेल कर सकते हो, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए यह बेनिफिशियल चैनल होगा। फाइन, आइए एक बार फिर से मैं कहूँ कि बेल आइकन को ज़रूर ओके कर लेना, पुश आउट कर लेना, सो डैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारे कई पेड कोर्स तैयार हो रहे हैं, जो NCERT बेस्ड हमारी पेड कोर्स होगी, आप उसको ज़रूर यूज़ करना। 7004043326 पर। थैंक यू।